दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल में जो है न्यू बैंक अकाउंट अगर ऐड करने की सोच रहे हो तो इसके कुछ रूल रेगुलेशन है तो बैंक अकाउंट ऐड करने से पहले उन रूल रेगुलेशन को आप समझ ले कि क्या क्या रूल है इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही ले जाके मैं आपको जो रूल रेगुलेशन दिखाऊंगा कि क्या क्या इसके रूल रेगुलेशन है नहीं तो आप जो है इसमें बैंक अकाउंट ऐड तो कर दोगे परंतु जो है आगे चल के उसमें रिफंड नहीं आएगा या रेस्टिकेट रिफ़ंड का जो है ऑप्शन शो कर देगा या कोई और अदर क्यूरी जो है शो कर देगी तो पहले वो रूल समझते तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करना है ओपन करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड उसमें जो है एंटर करके और वहाँ पर जो बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन आता है उसको ओपन कर लेना जैसे ही आप बैंक अकाउंट के पेज को ओपन करोगे इस तरह का जो है इसमें शो कर देगा आपका एड बैंक अकाउंट अब इसी पेज को हमारे को ऊपर की तरफ इसक्रोल करना है जैसे आप ऊपर की तरफ इसक्रोल करोगे देखो नोट्स नोट्स करके लिखा हुआ है कुछ रूल रेगुलेशन सबसे पहला एड ए बैंक अकाउंट विच इज़ लिंक्ड विथ योवर पेन यानी आपको इसमें वो बैंक अकाउंट जो ऐड करना है जिसमें पेन कार्ड लिंक हो यानी जो बैंक अकाउंट आप इसमें ऐड कर रहे हो पेन कार्ड लिंक होना चाहिए सेकेंड है रिफंड कैन बी इश्यू इन फॉलोइंग अकाउंट टाइप सेविंग करंट कैश क्रेडिट ओवर ड्राफ्ट एंड नॉन रेजिडेंस ऑर्डनरी थर्ड है द नाम एज पर पेन एंड नेम इन योर बैंक अकाउंट मस्ट मेच यानी ये कह रहा है कि पेन में और आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें नाम जो है मैच होना चाहिए यानी किसी भी छोटी सी भी स्पेलिंग का जो है एरर नहीं होना चाहिए फोर्थ है रिफंड के नोट भी इश्यू टू बैंक अकाउंट विच आर क्लोज इनवेलिड अंडर रेजिशन ऑन ब्लॉक स्टेटस यानी उस बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा जो क्लोज हो या इनवेलिड हो वो बैंक अकाउंट आप कभी भी गलती से इसमें ऐड ना करें फिफ्थ है ई बी कैन बी इनेबल फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर ओनली फॉर वन वेलीडेटेड बैंक अकाउंट एट एनी गिवन टाइम सिक्स है टू इनेबल ई वी सी मोबाइल और ई मेल आई डी एज इन ई फाइलिंग यूजर प्रोफाइल शुड मैच विद रिटेल लिंक्ड विद बैंक अकाउंट यानी सब कुछ जो है ई वी सी इनेबल करने के लिए आपने जो पोर्टल में मोबाइल नंबर और ई मेल जो दे रखा है वो ही जो है यूज करे ताकि आसान हो सेवंथ नंबर है इफ़ देर इज ए चेंज इन मोबाइल नंबर और ई मेल आई डी लिंक्ड विद बैंक अपडेट डिटेल्स इन ई फाइलिंग यूजर प्रोफाइल दी री वेलीट योर एडेड बैंक कॉन्टेक्ट टू गेट योर अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल वेलीडेटेड बैंक यानि यह बोल रहा है कि आपका बैंक अकाउंट में और इनकम टैक्स के पोर्टल में जो है मोबाइल और ई मेल आई डी जो है सेम होनी चाहिए तो दोस्तों इस तरह से कुछ रूल रेगुलेशन हैं जो आपको जो है एक न्यू बैंक अकाउंट ऐड करने से पहले इनको अच्छी तरह से जो है रीड कर लेना है रीड करने के बाद ही जिस बैंक अकाउंट से सब कुछ मेच हो रहा है सब कुछ जो है करेक्ट है वही बैंक अकाउंट जो है इसमें ऐड करें ताकि आपको आगे चल के और रिफंड क्रेडिट होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो नेक्स्ट है ईवीसी कैन बी यूज फॉर फॉलोइंग वेरीफाइंग इनकम टैक्स रिटर्न एंड अदर फॉरम्स ई प्रोसीडिंग रिफंड री रीइ्यू रिक्वेस्ट रीसेट पासवर्ड एंड सिक्योर्ड लॉग इन टू ई फाइलिंग अकाउंट नेक्स्ट है ईवीसी कैन बी इनेबल फॉर दी अकाउंट ऑफ फॉलोइंग बैंक ओनली यानी यही बैंक जो है इसमें लिस्ट ऑफ बैंक की जो दी हुई है यही बैंक जो है अकाउंट जो है आप अपने इसके पोर्टल में जो है ऐड करें ताकि आपकी जो है ईवीसी इनेबल हो सके तो अभी ये मैं बैंकों की लिस्ट भी आप दिखा दिखा दूंगा इसमें तो लिस्ट ऑफ़ बैंक के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे क्लिक करते इसमें जो जो बैंक इसमें जो है शो कर रहे हैं वो ही आप जो है इसमें ऐड करें ताकि आपको जो है ई इनेबल होने में किसी प्रकार की कोई जो है दिक्कत परेशानी तो जैसे लिस्ट ऑफ बैंक के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे क्लिक करते ही देखो इस तरह से बैंकों की पूरी की पूरी जो है लिस्ट आ जाएगी तो ये आपको रीड कर लेना है कि इस लिस्ट में जो है कौन कौन से बैंक अकाउंट जो दिए हुए हैं बैंक सॉरी वही बैंक है जो है आप इसके पोर्टल में ऐड करें ताकि ई वी सी इनेबल में और ई वेरीफाई रिटर्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो क्योंकि ये बैंक जो है इनकम टैक्स ने खुद ने अप्रूवल कर रखे हैं तो यही बैंक जो है इस लिस्ट में दे रखे हैं वही बैंक आप जो है इसमें ऐड करें ताकि आपको जो है रिफंड में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो दोस्तों ये था मेरा इनकम टैक्स को में न्यू बैंक अकाउंट ऐड करने को लेकर एक छोटा सा वीडियो फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए मेरे से जितना हो सकेगा पूरी हेल्प करूँगा वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद थैंक यू